आपने परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट तो निकाला होगा, लेकिन अगर आपके पेपर में कोई नॉन परफेक्ट नंबर दे दे, जैसे 26, 15 या ऐसा कोई सा भी नंबर है जो नॉन परफेक्ट रहे, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका मान कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी को आइए एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 26 लिया है, अब 26 को देखना है कि 26 कौन से स्क्वायर के पास में है, यानी यह जो है 25 के पास में, तो 25 को ऐसे रूट के अंदर लिख दिया जाएगा और उसमें का जो 1 बचेगा प्लस 1 करके रूट के बाहर लिखेंगे। अब 25 का स्क्वायर रूट आता है कितना, 5, यानी लिख दिया जाएगा 5 प्लस 1 ऐसे लिखा जाएगा, और अपान करके इस 5 को, 5 जो रहेगा इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा उसको डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1/10। अब जब 10 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 0.1, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 5.1, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये आपका पहला आंसर हुआ। चलिए रूट 15 का भी निकाल लेते हैं। रूट 15 जो है इसको हम लिख सकते हैं रूट में 16, तो किसके पास में, रूट में 16, अब माइनस 1, 1 को बाहर लिखा जाएगा, 16 से बाहर आएगा 4, अब माइनस 1, और इसका डबल यानी 2×4 कर देंगे, तो 4 माइनस 1/8, तो 4 माइनस कितना आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 3.875, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में रूट में 18 का मान बताइएगा कि इसका मान क्या होगा।